तो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ट्रेन जर्नी। आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई। आज की मेरी ट्रेन है तमिलनाडु एक्सप्रेस। रिवर अपनी नर्मदा। वाह, थाली थी और क्या था? बैज थाली, थाली है, अंडा है। ये अपनी डायमंड भैया का फोन हाथ से छिनके ले गए। जबरदस्ती यहाँ जबरदस्ती ले। सो भाई ये आ गई अभी दोपहर की थाली। भाई ये मिले अपने सब्सक्राइबर। भाई ये सारी वीडियो देखते हैं। हेलो, एक अंधे को दान करना बाबू साहब। आपको एक अंधे को दान करना बेटा। आपको से मोहताज जी बाबू साहब। भगवान सदा खुश रखे, ईश्वर किया। एक अंधे को दान करना बाबू साहब। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर अपनी नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312 मीटर और जो ओरिजिनेट होती है अपनी अमरकंटक से, मध्य प्रदेश से एंड सूरत में जाके गिर जाती है वो। नर्मदा भाई बहुत बढ़िया। वेज थाली है, अंडा कड़ी, हाँ चिकन थाली 150 की थी और अंडा कड़ी 130 की और वेज थाली 120। ठीक है, तो मैंने भाई जो नॉन वेज था वो रात को ही खा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि वेज थाली ट्राई करते हैं। अगली जर्नी में हम नॉन वेज ट्राई करेंगे एंड देखते हैं भाई कैसा रहता है खाना। भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं इटारसी, जो कि हमारी ट्रेन का फिफ्थ स्टॉप है। और ये सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है?
कैसा लगा गाड़ी गई? गाड़ी में गाड़ी गई उधर से कैसा लगा? बढ़िया लगा व्यू, बहुत बढ़िया लगा। May I have your attention please? 0 2 9 7 6 8 9 8 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
प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन पे, क्योंकि यहाँ से जंक्शन सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ से अपनी कोलकाता मुंबई वाली लाइन जाती है और दूसरी अपनी दिल्ली चेन्नई वाली लाइन इटारसी जंक्शन पे जाती है। और भाई ये मिले अपने सब्सक्राइबर, भाई ये सारी वीडियो देखते हैं ना? हाँ ये सारी वीडियो देखते हैं सर जी, ये भाई सारी वीडियो देखते हैं। हाँ ये मेरा है भाई, मैंने आपको हाँ मैसेज कर दो ठीक है। सो ये भाई मिले थे अपने अभी हमारी ट्रेन पहुंची अपने फिफ्थ स्टॉप पे जो अपना इटारसी जंक्शन और इसका स्टेशन कोड है ईटी। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप था लेकिन हमारी ट्रेन है यहाँ पे लेट, तो अभी दिखाएंगे सीधा इटारसी से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। भाई भेज रहे हैं सांभर, कितने की प्लेट है भाई? 20 रुपये भाई। हाँ 20 रुपये में भेज रहे हैं भाई सांभर, अभी खाना खा लिया यार मैंने। ये इडली सांभर बड़ा सांभर, ये गुलाब जामुन कितने की है भाई? ये भी 20 रुपये की भेज रहे हैं गुलाब जामुन। हाँ गुलाब जामुन। सो भाई अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है, बाय, अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है इटारसी जंक्शन से। बड़ी जल्दी ले आए आप जी सर, बहुत जल्दी ले आए। सो ये लाए हैं अभी, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड बताएंगे आपको कैसा बना है, पूरा रिव्यू देंगे। ये हैं ये सारे, सो खाने से पहले हैंड को करें सैनिटाइज। भैया अभी देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। चाय बोले चाय भाई खाली, ये इन्होंने दी है भाई अचार और ये रोटी है, साथ में दो रोटी दी है, ये दी है इन्होंने किसकी सब्जी है मटर और ये अपनी दाल, ये अपने तीन सब्जी दी है इन्होंने। ये थाली एंड ये हमें पड़ी 120 की, 130 की थी, अंडा कड़ी थी बट मेरा मन नहीं था। टेस्ट की बात करें तो ठीक है, रेटिंग दूंगा मैं इसको 10 में से 8, अच्छा तो अच्छा है खाना ठीक है। अब रोटी की बात करते हैं भाई, रोटी हम खाएंगे चने के साथ। बढ़िया भाई रोटी, अगर 120 के हिसाब से देखा जाए तो चावल की थोड़ी क्वांटिटी कम है, बाकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है।
ये भी है ट्रैक। डायमंड क्रॉसिंग, लेकिन आगे वाली बहुत खतरनाक है। एक दो महीने में 300 सही तो है। दोस्तों 1092 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के 6 स्टॉप पे, जो अपना नागपुर जंक्शन। और मैंने आपको डबल डायमंड क्रॉसिंग दिखानी थी, डायमंड क्रॉसिंग तो दिखा दी, लेकिन एक डबल डायमंड क्रॉसिंग है जो कि उस साइड थी थोड़ा सा। मतलब हमारी ट्रेन अगर दूसरे ट्रैक पे होती तो मैं आपको वो भी दिखा देता। बाकी बहुत मतलब एक अजूबा है भाई डायमंड क्रॉसिंग, तो आप यहाँ पे देखने आ सकते हो। तो दोस्तों अपने नागपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है NGP, और ये जंक्शन क्यों है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है उधर को, जो अपनी बिलासपुर रायपुर वाली, दूसरी लाइन यहाँ से जाती है अकोला भुसावल वाली, जो कि मतलब सूरत वाली मुंबई वाली साइड जाती है। तीसरी हमारी लाइन जाएगी अब नीचे को, जो कि विजयवाड़ा और चेन्नई वाली लाइन है। और भाई क्या आपको पता है जो डायमंड क्रॉसिंग है वो खास क्यों है? क्योंकि वो चार दिशाओं को जोड़ता है इंडिया की, जैसे नॉर्थ साउथ को जोड़ता है, ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है। तो भाई वो बहुत मतलब खास जगह है देखने के लिए, वहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। भाई मैंने तो जाना था देखने के लिए, लेकिन हमारी ट्रेन इधर लेट आई है। नागपुर हमारी ट्रेन का 6 स्टॉप है, और अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 1092 किलोमीटर का। और भाई देखिए हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है नागपुर जंक्शन से, यानी कि 28 मिनट लेट डिपार्ट किया इसने नागपुर जंक्शन से। यार यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, अब क्या करेंगे? अब मतलब जो अगला स्टॉप आएगा वहीं से लेते हैं कुछ खाने के लिए। क्यों भाई? सही बात है, पहली बार आ रहे हो नागपुर? ये भाई दूसरी बार आ रहे हैं, ये चेन्नई जा रहे हो ना आप? जी इनका ये आई अपनी जशवंतपुर लखनऊ। दोस्तों फाइनली शाम का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 4:27 एंड हमारी ट्रेन 1301 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आ चुकी है अपने 7th स्टॉप पे, जो अपना बल्हार शाह जंक्शन, और इसका स्टेशन कोड है BPQ। और हमारी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट लेट आई है एंड 5 मिनट का हमारी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप है। एंड देख सकते हो भाई मौसम देखिए, सुबह से भाई मुझे धूप नहीं देखने को मिली है जब से मैं इस ट्रेन में बैठा हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, एंड पीछे बारिश भी पड़ी थी जो नागपुर वाली साइड। तो अभी तक हम महाराष्ट्र में हैं। बल्हार शाह जंक्शन पे टोटल प्लेटफॉर्म्स 5 हैं, और ये स्टेट महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे में पड़ता है, एंड डिवीज़न अपनी वही नागपुर डिवीज़न। और यहाँ से जो लाइन्स डाइवर्ट होती है वो मतलब एक लाइन जाती है जो कि अपनी गोंदिया होते हुए जबलपुर
जाती है, लेकिन हमारी लाइन सीधी जाएगी अब विजयवाड़ा चेन्नई वाले रूट पे। एंड देखिए भाई क्या ड्राइंग्स बनाई है यहाँ पे, पिक्चर्स देखिए अलग अलग जंगली जानवरों की। भैया कॉफ़ी देना, कॉफ़ी भैया कॉफ़ी देना। ये क्या दे रहे हैं भैया, ये क्या भैया? चिक्की है, पापड़ी। कितने की है? 20 की। और ये 30 का? 30 का, 20 का, ये 20 का। ये क्या चीज़ है? रेवड़ी। ये दे दो भैया। ये ड्राई फ्रूट है भैया, किशमिश मिक्स है वो काजू। हाँ इसके बनाना दे देना। हेलो हाँ जी, कितने 30 मेरे वो हो गए ना। हेलो 20 के बनाना दे देना। देखिए जहाँ पे हमारी ट्रेन की डी फिलिंग हो रही है, उसके बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है बल्लार शाह जंक्शन से। अभी आपको सीधा 7:30 बजे मिलेंगे, जो इसका 8th स्टॉप होगा अपना वारंगल, उसके बाद विजयवाड़ा एंड फिर तो भाई रात ही पड़ जाएगी। तो देखिए बल्लार शाह जो भाई अपनी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही थी, वो उसने यहाँ पे आके टाइम कवर कर रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को यही होता है, जल्दी से अपना टाइम कवर कर लेती हैं ये, चाहे जितना मर्जी रोक, क्योंकि इतना भाई लंबा डिस्टेंस है। 120 पे भी चलेंगी, 110 पे भी चलेंगी, तब भी अपना टाइम कवर कर लेंगे। भूख नहीं लगी, अब शाम का स्नैक्स तो हो गया, अब रात को देखेंगे। ड्राई फ्रूट लिए हैं थोड़े से, अदरवाइज अगर ज़्यादा ही भूख लगेगी तो कुछ ले लेंगे, थोड़ा लाइटली लेंगे क्योंकि अभी भूख बहुत कम है। भाई सनसेट हो रहा है, मतलब अभी मिला सुबह का धूप सूरज देखने को, सुबह से सूरज नहीं देखा था लेकिन अभी मिला देखने को। अभी हम आ गए सिरपुर कागज नगर। हाँ सिरपुर कागज नगर, लेकिन हमारी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, है ना। देखिए काफी ज्यादा शोर शराबा मचा हुआ है यहाँ पे। और क्या आपको पता हमारा वारंगल स्टेशन स्टेट तेलंगाना एंड डिवीजन सिकंदराबाद और जोन अपना वेस्टर्न साउथर्न में पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था, तो इसलिए मतलब एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिला। अब आपको सीधा मिलेंगे हम आंध्र प्रदेश में, जो कि हमारा 9th एंड लास्ट स्टॉप होगा विजयवाड़ा। उसके बाद हमारी ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी अपने लास्ट हॉल्ट पे, जो है अपना MES चेन्नई सेंट्रल। मिस्टर विशाल हाँ जी, ये सर कर रहे हैं।
से भाई, मेरी एक आध फोटो खींच दिया है। तो दोस्तों 11:18 हो रहे हैं और आप सभी का स्वागत है आंध्र प्रदेश में। और हम पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के लास्ट स्टॉप पे, जो अपना विजयवाड़ा जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है BZA। और अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया वही 1750 किलोमीटर का। आपको पता ही है कि दो रातों से मैं इस ट्रेन में हूँ, आज की रात भी यही मतलब बीतने वाली है एंड कल सुबह हम पहुँचेंगे। तो गाइज अपनी ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है विजयवाड़ा जंक्शन पे। और विजयवाड़ा जंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है अपनी इलरू को, दूसरी लाइन जाती है अपनी गुंटूर को, और तीसरी लाइन अभी हमारी जाएगी, कौन सी है ये, बहुत टफ नेम है यार, अभी हमारी लाइन जाएगी तनाली वाले रूट पे जाएगी, जो कि आगे जाके चेन्नई से जाके मिलेगा, ठीक है। तो भाई अभी हमने आपको विजयवाड़ा जंक्शन दिखाया एंड हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है विजयवाड़ा जंक्शन से। अभी हम जा रहे हैं अपने कोच में जा रहे हैं हम, एंड अभी हम सो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है भाई। अब हम सीधा सुबह मिलेंगे, हाँ हम सीधा मिलेंगे आपको MAS चेन्नई सेंट्रल में। ये भाई देखो पगला गया है रात को, तो हम आपको सीधा मिलेंगे अब सुबह। तो दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है एंड अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो सीधा आपको सुबह मिलेंगे। कुछ रूट है एंड ये पूरी चेन्नई सिटी देख सकते हो इधर भी एंड दूसरी साइड भी देख सकते हो भाई, ये हम चेन्नई में। तो भाई अभी हमारी ट्रेन चेन्नई पहुंची नहीं थी एंड अगर आप चेन्नई जा रहे हो भाई तो सावधान रहे रास्ते में। ये भैया का फ़ोन अभी अभी चोरी हो गया। भैया कौन आया यहाँ से, कौन आया अभी यहाँ से फ़ोन लेकर गए हो? हाँ दो लड़के थे भाई यहाँ से चढ़े एंड भैया का फ़ोन हाथ से छीन के ले गए जबरदस्ती, यहाँ जबरदस्ती ले गए, इधर उतर गए चलती ट्रेन से। हाँ नीचे से, अच्छा नीचे से छीन के ले गया। ओ भाई चलिए एक बार चीज चलिए ऑर्डर हो रही है भाई, और कहाँ से लेके गया? हाँ तीन चार डब्बे छोड़ गए दो हो। नहीं भाई चेन्नई 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 आ गया, आ गया चेन्नई। सो भाई देख सकते हो 5:50 हो रहे हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 6:15 पे टाइम था, यानी कि 25 मिनट पहले पहुँचा दिया हमारी ट्रेन ने, तमिलनाडु एक्सप्रेस ने हमें। पूरा चीतलावर, पूरा चीतलावर डॉक्टर AMG रामचंद्र सेंट्रल। सो भाई अभी हम आ चुके हैं बाहर एंड ये थी हमारी आज की तमिलनाडु एक्सप्रेस की वीडियो। आई होप यू गाइस आर एंजॉय दिस व्लॉग, इफ यू गाइस आर डिड मेक यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सेफ बी हैप्पी एंड बी केयरफुल। और हाँ इंस्टाग्राम पे भाई को ऐड जरूर कर लें एंड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।